सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका अपना संजू और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल संजू क्रिएशन। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जहाँ बेल आइकन की घंटी जो है उसको ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचेगा फ्रेंड्स। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल संजू क्रिएशन गाइस। तो आज की स्टूडियो में आपके लिए लेकर आए कुछ इस तरह का मल्टीपल कलरफुल ग्लास फंड। जैसे इंटरफेस में देख ही रहे होंगे इस तरह आपको आज मल्टीपल कलरफुल ग्लास फंड एडिटिंग करना सिखाएंगे फ्रेंड्स। वीडियो पर जो है लास्ट तक बने रहेगा। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करो तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और बगल में जहाँ बेल आइकन घंटी जो है उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचेगा फ्रेंड्स। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की वीडियो की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले हमको चले जाना है अपने पिक्सेल ऐप की ओर। पिक्सेल ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर जो न्यू टेस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा तो सिंपली यहाँ पर हमको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद हमको रिमूव कर लेना है, उसके बाद हमको दीपक लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद राइट पर क्लिक कर लेना है। इतना करने के बाद जो हमको फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन मिलेगा तो सिंपली इस वाले आइकन पर आ जाना है और सिंपली हमको फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लेना। तो सिंपली यहाँ पर हमको जो है रिसेंट में यूज़ किया था इस फ़ॉन्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फ्रेंड्स, वहाँ से अब जो है जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद हमको यहाँ पर साइज इंक्रीज कर लेना कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आप भी जो अपने हिसाब से रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद हम इसका कॉपी लेयर बना लेना है, ठीक है। कॉपी लेयर बना लेने के बाद हमको यहाँ पर ए बी ए बी ए बी इस तरह से टाइप कर लेना है, ठीक है। इस तरह से हमको कर लेने के बाद हमको यहाँ पर डन पे कर लेना है। ओके ओके कर लेने के बाद हमको यहाँ से जो है फिर से आ जाना है फॉन्ट वाले ऑप्शन पर। फॉन्ट वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद हमको यहाँ से फिर से एक फॉन्ट लेना है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा फ्रेंड्स, वहाँ से आप जो है जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद हमको इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। आप जो है वीडियो पर लास्ट तक बन रहेगा, इस तरह से कर लेना, ठीक है। इतना करने के बाद जो है हमको यहाँ पर देख सकते हो ये वाला आइकन मिलेगा, तो सिंपली यहाँ पर हमको कर लेना प्रेस और हमको ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, ये वाला ऑप्शन पर। इसके बाद हमको गैलरी में सेव कर लेना, तो सिंपली इस वाला आइकन पर आ जाना है। इस वाला आइकन पर आ जाने के बाद हमको यहाँ से सेव एज इमेज वाला जो ऑप्शन मिलेगा तो सिंपली यहाँ पर हमको कर लेना है प्रेस। प्रेस करने के बाद जो हमको डिफॉल्ट वाला ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर भी हमको सिलेक्ट कर लेना है ये अल्ट्रा वाला, ठीक है। अल्ट्रा सेलेक्ट करने के बाद हमको सेव टू गैलरी वाला ऑप्शन मिलेगा, तो हमको गैलरी में सेव कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना करने के बाद ये हमारा गैलरी में सेव हो जाएगा। तो यहाँ से हम चले जाते हैं बैक, और बैक चले जाने के बाद हमको फोटोशॉप ओपन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ, अब जो है वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। हमको ओपन कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो पर जो है लास्ट तक बने रहेगा। ओपन करने के बाद जो हमारा इस तरह का इंटरफेस होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह का इंटरफेस होने के बाद जो है हमको इस वाला आइकन प्रेस कर लेना है प्रेस, ठीक है। प्रेस करने के बाद हमको यहाँ से फोटो लाइब्रेरी वाला ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली यहाँ पर हमको कर लेना है प्रेस और यहाँ से हमको पिक सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं पिक सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। इतना करने के बाद जो हमको इस वाला आइकन पर कर लेना है प्रेस। इस वाला आइकन पर प्रेस करने के बाद जो हमको यहाँ पर ये प्लस वाला आइकन मिलेगा, तो सिंपली प्लस वाला आइकन पर कर लेना है प्रेस और यहाँ से हमको फोटो लेयर वाला ऑप्शन पर कर लेना है दो बार प्रेस, ठीक है। इतना करने के बाद हम जो है पिक्सेल ऐप में चले जाते हैं और ट्रांसपेरेंट किए तो इसको हमको कर लेना है सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद जो है हमको फिर से प्लस वाला आइकन पर चले जाना है, ठीक है। प्लस वाला आइकन पर चले जाने के बाद सिंपली हम इसको डुप्लीकेट लेयर बना लेना है, तो हमको यहाँ पर दो बार कर लेना है प्रेस, उसके बाद हमको डन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको फर्स्ट लेयर पर रहकर हमको चले जाना है इस वाला आइकन पर। इस वाला आइकन पर आ जाने के बाद हमको यहाँ पर इन्वर्ट वाला जो ऑप्शन मिलेगा सिंपली यहाँ पर हमको कर लेना है प्रेस, ठीक है। तो इसका जो है ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है तो सिंपली हमको इस वाले आइकन पर आ जाना है। इस वाले आइकन पर आ जाने के बाद जो है हमको नॉर्मल वाला जो ऑप्शन मिलेगा तो सिंपली यहाँ पर हमको फाइव नंबर वाले यानी स्क्रीन हमको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है हमको सेकेंड लेयर सेलेक्ट कर लेना है। सेकेंड लेयर सेलेक्ट करने के बाद हमको एफेक्स वाले ऑप्शन पर कर लेना है प्रेस। एफेक्स वाले ऑप्शन पर प्रेस करने के बाद हमको यहाँ पर जो है बेवल लगा लेना है, ठीक है। तो सिंपली जो है ड्रॉप शैडो वाला ऑप्शन पर कर लेना है प्रेस, ठीक है। और हमको यहाँ पर एंगल जो है 135 के राउंड रख लेना है, ठीक है। तो सिंपली हमको यहाँ से डिस्टेंस वाले ऑप्शन पर कर लेना है प्रेस, ठीक है। उसके बाद हमको डिस्टेंस को 5 कर लेना है। इतना करने के बाद हमको राइट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। राइट पे क्लिक करने के बाद ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है तो सिंपली हमको यहाँ से चले जाना है ऑप्शन पर, ठीक है। इतना करने के बाद जो हमको यहाँ पर नॉर्मल ऑप्शन मिलेगा तो सिंपली यहाँ पर हमको थर्ड नंबर वाला जो है इस बार यूज कर लेना है मल्टीप्लाई वाला, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद हमको लास्ट लेयर आ जाना है, ठीक है। लास्ट लेयर आ जाने के बाद फिर से हमको इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर चले जाना है। इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर चले जाने के बाद हमको यहाँ पर बेवल लगा लेना है, ठीक है। तो बेवल जो है हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद जो हमको यहाँ पर ब्लर वाला ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ इसको कर लेना है 15 के अराउंड, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद राइट पर क्लिक कर लेना है, ठीक है।
राइट पर क्लिक करने के बाद हमको इस बार एंगल मिलेगा, तो सिंपली एंगल वाले पे चले जाना है। एंगल वाले को हमको कर लेना है 145 के राउंड, ठीक है। इतना करने के बाद हमको कलर वाला ऑप्शन मिलेगा, तो कलर को कर लेना है हमको ब्लैक, ठीक है। इतना करने के बाद जो हमको डिस्टेंस वाला ऑप्शन मिलेगा, तो डिस्टेंस को हमको कर लेना है 16 के राउंड, ठीक है। इसके बाद जो हमको राइट पर क्लिक कर लेना है और इधर भी राइट पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो थर्ड लेयर पर रहकर ही हमको एक बार और चले जाना है फिक्स वाले ऑप्शन पर, और फिर से हमको बैक चले जाना है बेवल वाले ऑप्शन पर। तो बेवल हमको दो बार यूज करना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो हमको सेकंड लेयर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेकंड लेयर सेलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पर जो साइड साइड में जो फंट है उसको सेलेक्ट कर लेना है, तो सिंपली हमको यहाँ पर मोड प्लस लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको साइड साइड वाला जो एरिया है उसको हमको कर लेना है सेलेक्ट कुछ इस तरह से, ठीक है। अब जो है वीडियो पर लास्ट तक बन रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स, तभी जो आप इस तरह का एडिटिंग सीख पाओगे, ठीक है। इस तरह से हमको कर लेना है सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ से हम जो आउट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमको थर्ड लेयर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। थर्ड लेयर सेलेक्ट करने के बाद हमको इस वाले आइकन पर चले जाना है। इस वाले आइकन पर चले जाने के बाद हमको यहाँ पर फिल स्टॉक लगा लेना है। तो फिल स्टॉक में हमको जो है यहाँ पर जो टाइप वाला जो ऑप्शन है, तो सिंपली यहाँ पर हमको कर लेना है क्लाउड्स वाला जो है सेलेक्ट, ठीक है। इसके बाद जो हमको सीधा राइट कर लेना है। राइट कर लेने के बाद फिर से हमको चले जाना है एंड वाले ऑप्शन पर, और अब हमको फिल स्टॉक फिर से लगा लेना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर तीन राउंड जो है लगा लेना है बैक टू बैक, ठीक है। तो ये हमारा थ्री राउंड हो चुका है। उसके बाद जो हमको सेकंड लेयर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेकंड लेयर सेलेक्ट करने के बाद हमको डी वाला जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उस बार हमको फिर से एंड वाले ऑप्शन पर चले जाना है। एंड वाले ऑप्शन पर आ जाने के बाद हमको फिर से फिल स्टॉक, ठीक है। फिल स्टॉक लगा लेने के बाद हमको यहाँ से इसका टाइप जो है चेंज कर लेना है, तो टाइप हमको फिल कर लेना है, ठीक है। फिल करने के बाद कलर वाला ऑप्शन पर आ जाना है। कलर हमको चेंज कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से हमको इसको कलर जो है येलो करना है, ठीक है। येलो करने के बाद आई वाला सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हमको सेकंड लेयर से ही करना है, जो भी कलरफुल आप करेंगे सेकंड लेयर से करेंगे, ठीक है। तो सिंपली हमको फिर से एंड वाला ऑप्शन पर चले जाना है। अब हमको फिल स्टॉक और यहाँ पर हमको कलर जो है रेड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर पी वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमको सेकंड लेयर, उसके बाद फिल स्टॉक, उसके बाद हमको इसको कर लेना है ब्लू। ए वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, एंड वाला ऑप्शन फिल स्टॉक, और यहाँ से हमको पिंक, ठीक है, के वाला। उसके बाद हमको फिर से ये, और हमको यहाँ पर ये कलर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद हमको अब जो है ये वाला सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो सिंपली हमको सेकंड लेयर से ही करना है, ठीक है। जितना भी कलरफुल करेंगे वो जो है सेकंड लेयर से ही करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हमको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है और इसको हमको कलर चेंज कर लेना है, तो पिंक सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। पिंक सेलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पर इसको जो है अब कर लेना है ब्लू। तो वीडियो पर जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और हम इसको कर लेना है रेड, तो यहाँ से हमको रेड कर लेना है, और यहाँ से हमको इसको कर लेना है येल्लो, तो हमको येल्लो सेलेक्ट कर लेना है। आप जो है वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इतना करने के बाद हमको इसको ब्लू और इसको हमको कर लेना है पिंक, तो हमको यहाँ से इसको कर लेना है। उसके बाद जो अगला प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो जितना भी कलरफुल करेंगे वो सेकेंड लेयर से ही करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। इतना करने के बाद जो है हमको फर्स्ट लेयर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट लेयर सेलेक्ट करने के बाद हमको इफेक्ट्स पर चले जाना है, ठीक है। इफेक्ट्स पर चले जाने के बाद हमको यहाँ पर ग्लो लगा लेना है, तो सिंपली ग्लो वाले ऑप्शन पर कर लेना है हमको प्रेस। प्रेस करने के बाद हम ब्लर वाला ऑप्शन मिलेगा, तो 0.9 हमको कर लेना है। उसके बाद राइट पर क्लिक, इधर हमको रेड वाले कलर को जो है वाइट कर लेना है, ठीक है। तो वाइट हमको कर लेना है सेलेक्ट। उसके बाद जो है हमको प्लस वाला आइकन कर लेना है प्रेस। प्लस वाला आइकन कर लेने के बाद हमको फर्स्ट लेयर का डुप्लीकेट लेयर बना लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको लास्ट लेयर सेलेक्ट कर लेना है, लास्ट लेयर का भी डुप्लीकेट लेयर बना लेना है। उसके बाद हमको डन कर लेना है, ठीक है। डन कर लेने के बाद हमको जो है फर्स्ट लेयर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से हमको प्लस चले जाना है, ठीक है। प्लस वाला आइकन पर कर लेना है प्रेस। यहाँ पर हमको फोटो लेयर ऐड कर लेना है, तो हमको यहाँ पर PNG ऐड कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है जाकर सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से मैं PNG सेलेक्ट कर लेता हूँ। PNG सेलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको छोटा कर लेना है, ठीक है। तो छोटा कर लेने के बाद हमको कुछ इस तरह से कर लेना है। उसके बाद हमको इस वाले आइकन पर चले जाना है, हमको कॉपी कर लेना है। सिंपली फिर से दोबारा चले जाना है और इस बार हमको पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा कॉपी बन जाएगा। सिंपली हमको इस तरह से ऐड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद फिर से पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हमको इस तरह से इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो आप जो है वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा फ्रेंड्स। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और बगल में जो है बेल आइकन घंटी जो है इसको ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचेगा फ्रेंड्स। इस तरह करने के बाद जो है हमको यहाँ पर अब ये वाला जो है सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हमको
इफेक्ट्स पर चले जाना है, टिंट पर चले जाना है। टिंट पर चले जाने के बाद हमको इसको येलो कलर कर लेना है, ठीक है। इस बार कॉपी और इस बार हमको पेस्ट। तो सिंपली हमको यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमको फिर से पेस्ट कर लेना है। तो ये हमारा बनकर हो जाएगा रेडी। तो देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, देख ही सकते हो जैसे कि आप। तो सिंपली हमको इसको गैलरी में सेव कर लेने के फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको डन वाले पे कर लेना है प्रेस, ठीक है। डन वाले प्रेस करने के बाद हमको सेव वाला जो ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली यहाँ पर हमको कर लेना है प्रेस, ठीक है। प्रेस करने के बाद हमको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमको देख सकते हो यहाँ पर जो शेयर वाला ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली इसमें कर लेना है प्रेस। प्रेस करने के बाद हमको सेव टू गैलरी मिलेगा, तो सिंपली यहाँ पर भी हमको कर लेना है प्रेस। और प्रेस करने के बाद हमको जीपीजी वाला जो ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर भी हमको कर लेना है प्रेस, ठीक है। उसके बाद पीएनजी सेलेक्ट कर लेना है। पीएनजी सेलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पर फोटो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ पर ओके कर लेना है। ओके करने के बाद ये हमारा गैलरी में सेव हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हो चुका है हमारा गैलरी में सेव। तो देख सकते हैं बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ना भूलिएगा फ्रेंड्स। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।